कैसे हो गया इजराइल का आयरन डोम फेल? 35 एकड़ जमीन के लिए दो देश आपस में क्यों भिड़ गए? नेतन्याहू और उनकी सरकार जिस आयरन डोम को लेके पूरी दुनिया में डंका पीट रही थी, वो कैसे फेल हो गया? 95% एफिशिएंसी और 360 डिग्री एयर डिफेंस वाला इजराइल का आयरन डोम हो गया है फेल। हमास के हमले से इजराइल के 600 सिविलियंस की मौत हो गई है। तो आखिरकार ये पूरा का पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। अब आइए सबसे पहले जान लेते हैं वो किस्सा, यानी कि एक ऐसा फसाद जिसकी वजह है एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा, वो भी 35 एकड़ का। अब देखिए, कहने के लिए ये सिर्फ एक 35 एकड़ का प्लॉट है, लेकिन ये दुनिया के सबसे विवादित जगहों में से एक है। इसीलिए क्योंकि दुनिया के तीन बड़े धर्म इस प्लॉट पे दावा करते हैं। इस 35 एकड़ के प्लॉट में एक आयताकार प्लेटफॉर्म है जिसे यहूदी लोग टेम्पल माउंट कह के पुकारते हैं, और इसी परिसर को मुस्लिम बुलाते हैं हरम अल शरीफ। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार एक जगह के दो नाम क्यों हैं? अब देखिए, इसके पीछे की वजह है दो अलग अलग धर्मों की मान्यताएं। अब यहूदियों का मानना है कि यहीं से उनके ईश्वर ने एडम का सृजन किया और यहीं से मानवता की शुरुआत हुई। इसके पीछे यहूदियों की एक और कहानी जुड़ी हुई है। यहूदियों का मानना है कि उनके एक पैगंबर थे अब्राहम। अब्राहम के दो बेटे थे इस्माइल और इसहाक। अब एक बार ईश्वर ने अब्राहम से उनके बेटे की बलि मांग ली। बलि देने के लिए अब्राहम ईश्वर की बताई हुई जगह पे बलि देने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन ईश्वर अब्राहम की श्रद्धा देखकर उनके बेटे को बख्श देते हैं। अब यहूदियों के अनुसार ये जो घटना हुई थी पूरी की पूरी, वो इसी जगह पे हुई थी। इसराइल के राजा किंग सोलोमन ने करीबन 1000 BC के आसपास में यहाँ पे एक मंदिर बनवाया। यहूदी इसे कहते हैं फर्स्ट टेम्पल। अब आगे चलकर बिबिलियन सभ्यता के लोगों ने इसे तोड़ दिया, लेकिन 500 साल के बाद में यहूदियों ने यहाँ पे एक बार फिर से मंदिर बनवाया जिसे सेकेंड टेम्पल कहा गया। इस टेम्पल में सिर्फ श्रेष्ठ पुजारी ही जा सकते थे। आम यहूदियों को तो यहाँ पे पांव रखने तक की आज्ञा नहीं थी। अब ये मंदिर करीबन 600 साल तक रहा और फिर इसे रोमन्स ने तोड़ दिया, लेकिन इस मंदिर की दीवार आज भी यहाँ पे मौजूद है। यहूदी आज भी इस मंदिर के दीवार के बाहर खड़े होकर अपने ईश्वर को याद करते हैं। अब चलिए जान लेते हैं मुस्लिमों का क्या दावा है। मुस्लिमों के मुताबिक इस्लाम की सबसे पवित्र जगहों में पहले नंबर पे आता है मक्का, दूसरे नंबर पे आता है मदीना, और तीसरे नंबर पे है हरम अल शरीफ, यानी कि जेरूसलम का वो 35 एकड़ का जमीन का टुकड़ा जिसके पीछे इतना बड़ा विवाद हो रहा है। कुरान के हिसाब से सन 621 में पैगंबर मोहम्मद यहीं मक्का से जेरूसलम आए और यहीं से वो जन्नत में चले गए। जन्नत में जाने के बाद अल्लाह ने उन्हें इस्लाम के मुख्य सिद्धांतों के बारे में बताया और बाद में मुस्लिमों ने वहां मस्जिद बनवाया। अब तीसरे धर्म ईसाई धर्म का दावा क्या है, चलिए जरा ये भी जान लेते हैं। ईसाई धर्म के अनुसार जेरूसलम ही वो जगह है जहाँ पे ईसा मसीह दोबारा जी उठे। उनका ये भी मानना है कि आगे ईसा मसीह इसी जगह पर फिर से जीवित हो उठेंगे। दोस्तों, अब ये तो हो गई तीनों धर्मों की अपनी अपनी मान्यताएं। चलिए अब जरा जान लेते हैं कि आयरन डोम डिफेंस सिस्टम क्या है। दोस्तों, आयरन डोम डिफेंस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो किसी भी देश की सीमा के पास में लगा दिया जाता है। इसके बाद सीमा पे आने वाली किसी भी मिसाइल को जमीन पे आने से पहले ही ये सिस्टम गिरा देता है। आयरन डोम सिस्टम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग AI टेक्नोलॉजी से बना हुआ है जो अपने डिसीजन खुद लेता है और खुद ही फायर कर देता है। अब आयरन डोम सिस्टम किसी भी तरह के हथियार को उड़ाने की क्षमता रखता है, चाहे वो लड़ाकू विमान हो या फिर किसी दुश्मन देश का मिसाइल। इसकी थ्रेट डिटेक्शन टेक्नोलॉजी 95% तक एफिशिएंट है, यानी कि 100 में से 95 मिसाइल आयरन डोम सिस्टम गिरा सकता है, और ये सिस्टम 360 डिग्री काम करता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार इतने मजबूत डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद भी हमास ने इसराइल पे हमला कैसे कर दिया, उसकी हिम्मत ही कैसे हो गई, और इसराइल में 600 लोगों की जान कैसे चली गई। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमास इस हमले की तैयारी बहुत पहले से कर रहा था, और इस हमले के लिए हमास ने एक अलग तरह की मिसाइल तैयार की है जिसकी साइज सिर्फ 114 mm यानी कि MM है। और हमास ने एक ऐसा मिसाइल सिस्टम बनाया हुआ है जो काफी ज्यादा मिसाइल फायर कर सकता है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम होता है जो कि 95% एफिशिएंट है, और इस एफिशिएंसी को ब्रेक करने के लिए हमास ने एक बार में 5000 मिसाइल इसराइल की तरफ दाग दी। आयरन डोम डिफेंस सिस्टम इतने सारे मिसाइल्स को जमीन पे आने से नहीं रोक पाया, और नतीजा ये हुआ कि 600 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि आयरन डोम डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट होने में 15 सेकंड का समय लगता है, और एक साथ इतने सारे मिसाइल्स को रोक पाना किसी भी डिफेंस सिस्टम के लिए मुश्किल है। खैर, हमास के इस हमले के बाद अब इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में वॉर जैसी सिचुएशन हो गई है। इसराइल के प्रधानमंत्री ने वॉर की घोषणा कर दी है। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसराइल और फिलिस्तीन वॉर से जुड़े अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ में बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।